नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी वीडियो जिसके दौरान आप ऐसे उपाय करें जिससे आपके घर में सुख आए। सभी लोगों को चाहत होती है सुख की, क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है खुश रहना, अपनी जिंदगी को खुशनुमा रखना। हर जगह आप हर तरह के उपाय करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं यदि आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से उन उपायों को डेली करते हैं या फिर महीनों में करते हैं, वह आपको उचित फल भी देते हैं और आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आते हैं। आज जानते हैं कौन से हैं ऐसे उपाय। एक, अपने घर में पानी के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले आप नीली कलर की बाल्टी लें और मनी प्लांट को लगाने के लिए भी आप नीले कलर के बकेट का ही यूज करें, क्योंकि मनी प्लांट आपके घर का अहम हिस्सा होती है जिससे आपके घर में समृद्धि, धन और जितनी भी बीमारियां हैं वह सभी दूर हो जाती हैं। इसलिए यदि आप उसे नीले बकेट में लगाते हैं तो वह आपके जीवन को खुशियों से भर देता है। और आप खास ख्याल रखें कि पानी, जब भी आप पानी घर में भर कर रखते हैं तो उसे नीली कलर की बकेट में ही भर कर रखें, क्योंकि वह आपके जीवन पर नई खुशियों का रंग डालती है और जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आती है। दो, रसोई बनवाते समय अपनी दिशाओं का खास ख्याल रखें, क्योंकि रसोई आपका अहम हिस्सा होती है आपके घर का, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को खाने के लिए वही जगह नजर आती है जहाँ पर लोग अपनी भूख को शांत कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आ सकते हैं। तो रसोई सबसे अहम पार्ट होता है हमारी भूख का, तो इसलिए यदि आप दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में रसोई घर की व्यवस्था करते हैं तो वह सबसे अच्छी होती है और आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा फर्क पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि आप रसोई घर को दक्षिण पश्चिम दिशा में ही बनवाएं, जिससे आपकी रसोई में कभी किचकिच नहीं होगी, क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा ड्रामे होते हैं। कभी बच्चे कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे, कभी बच्चे कहते हैं हम वो नहीं खाएंगे। तो कोशिश करें कि आप बच्चों के खास पसंद का ख्याल रखें, और अगर आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से रसोई बनवाते हैं तो बच्चों के स्वास्थ्य और जीभ पर स्वाद अपने आप ही चेंज हो जाएगा। जैसे आप बनाओगे बच्चा वैसा ही खाना पसंद करेगा। तीन, हमने खास कर देखा है कि रसोई घर में हम खाना बनाने के लिए एक ही स्लिप का यूज करते हैं और उसी स्लिप पर हम झूठे बर्तन भी रख देते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसे काम ना करें, क्योंकि कभी भी अगर एक ही स्लिप होती है तो उसमें झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि धन लक्ष्मी माता गुस्सा हो जाती है जिससे आपके घर में धन की हानि होती है। तो आप रसोई घर में या तो दो स्लिप बनवाएं, जहां पर एक तो रसोई होनी चाहिए चूल्हे के लिए और दूसरी होनी चाहिए जिसके लिए आप झूठे बर्तन रख सकते हैं। लेकिन अगर एक ही स्लिप है आपके घर में तो आप झूठे बर्तन को एक जगह इकट्ठे कर दें और जब खाना बन जाए उसके बाद ही उन झूठे बर्तनों को साफ करें। ऐसा करने से आपकी जहाँ पर रसोई है वह जहाँ पर आप खाना बना रहे हैं तो वह साफ सुथरा रहता है, स्वस्थ रहता है और आसपास की जो गंदगी है, नकारात्मक प्रभाव है, वह सभी दूर रहता है। तो इसलिए आप झूठे बर्तन उस स्लिप पर ना रखें। चार, यदि आप अपने घर में खुशियाँ चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने घर में रसोई घर के अंदर कभी भी दवाई ना रखें, क्योंकि दवाई एक नेगेटिव पदार्थ है। जब भी आपको उन चीज़ों पर नज़र पड़ती है तो वह आपके जीवन पे प्रभाव डालते हैं और आपका स्वास्थ्य अपने आप ही बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो आप रसोई घर में कभी भी दवाई न रखें, क्योंकि कभी भी हमें भूख लगती है तो हम सबसे पहले रसोई घर में ही दौड़कर भागते हैं। तो उसके लिए आपका अगर नज़र दवाइयों पर पड़ती है तो आपके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य खराब भी हो जाता है। नंबर पाँच, यदि आप अपने घर में खुशियां चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आप फेंग सुई की विंड चाइम यानी कि लटकने वाली छह पाई वाली घंटी अपने घर के आसपास जरूर लगाएं, क्योंकि विंड चाइम चैन लगाने से आपके घर में खुशियां आती हैं, समृद्धि आती है। उसकी जो मधुर ध्वनि होती है वह आपके जीवन में मिठास खोलती है और आपके सदस्यों के बीच एक मधुरता लेकर आती है, जिसकी वजह से जीवन में खुशियाँ और समृद्धि आसपास ही रहती हैं। और अपने आसपास को सकारात्मक प्रभावों को बनाए रखने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। अपने आप को खुशी दिलाने के लिए या फिर अपने सदस्यों की खुशी का ध्यान रखने के लिए हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यदि आप काम करते हैं तो इससे आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और खुशियाँ आती हैं। तो ये है वह कार्य, यदि आप करते हैं तो आपके घर में सदस्यों के बीच मधुरता रहती है और आपके घर में समृद्धि आती है। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।